जनपद संभल के धनारी में हुए टैंकर और बस हादसे में मृतक 8 लोगों की आत्मा की शांति और परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए समाजवादी पार्टी चंदौसी के वरिष्ठ सपा नेता उमेश गुप्ता के आह्वान पर नगर के बदायूं चुंगी स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान वर्ग भी मौजूद रहे। संभल के धनारी में हुए बस और टैंकर की भीषण भिड़ंत में 8 लोगों की दुखद मृत्यु पर नगर के समाजवादी पार्टी द्वारा चंदौसी नगर के चुंगी स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति के समक्ष 2 मिनट का मौन धारण कर मृतकों की आत्मा और परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान वर्ग ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने अब तक घायलों और मृतकों के परिवारों को कोई भी मुआवजा राशि नहीं दी। हम सरकार से मांग करते हैं कि मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख और दुर्घटना में हुए घायल लोगों को 5 लाख रुपए तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे तथा उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। नगर के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उमेश गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा राशि नहीं दी और न ही घायल हुए लोगों की कोई मदद की। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। इस मौके पर नगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतक आत्माओं की शांति हेतु शोक संवेदना व्यक्त की। दुर्घटना बहुत अत्यंत गंभीर थी, मुझे बहुत दुख पहुंचा है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों से जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। हमारे पार्टी के सांसद माननीय शफीकुर्रहमान बख्श साहब ने भी मौन व्रत रखा और उन्होंने मृतक परिवारों के लिए 25-25 लाख रुपए देने की सरकार से मांग की है और घायल व्यक्तियों के लिए 5-5 लाख रुपए देने की मांग की है। मृतक परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। कल जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक घटना है। कल से ही हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदेश हुआ कि आप सब लोग घटना स्थल पर पहुंचिए, पोस्टमार्टम हाउस पर जाइए, जो भी मसला है उसको देखिए। तो हम कल सुबह ही हम लोग, चाहे हमारे महामंत्री जी हों या मैं हूँ और हमारी पार्टी के सारे नेता पोस्टमार्टम पर और घटना स्थल पर हम लोग पहुँचे, क्योंकि इससे ज़्यादा घटिया दर्दनाक घटना कोई हो नहीं सकती। तो आज हम लोग, क्योंकि जब हमारे 8 लोग एक्सीडेंट में मरे हैं और 25 से 30 लोग हमारे जो घायल हुए हैं, तो आज उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आकर मौन व्रत रखा है। आज हम लोग जो समाजवादी के वर्कर हैं या अधिकारी हैं, यहाँ सब इकट्ठा हुए, यहाँ पर जिले अध्यक्ष भी मौजूद हैं। मैं मांग करता हूँ इस बात की कि इस वक्त जो ये नुकसान हुआ है ये बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले तलाफी है। और इस वक्त सियानो मुझे उन्होंने शिकायत की, उन लेडीज़ ने, अभी मैं गया था उनके घर पर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी वहाँ का, यानी किसी सीएमओ ने लापरवाही बरती इसमें और उन्होंने फौरन ही उनको नहीं दिखलाया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। मोहित राणा की मौत हो गई और रोहित राणा की। और मैं इस बात की मांग करता हूँ कि सरकार से कि 25 लाख रुपया इनको और सारे साथी जो उसमें 8 लोग मरे हैं उन सबको 25-25 लाख रुपया और एक एक नौकरी दी जाए गवर्नमेंट की इनको। मेरी इस बात की मांग है और बहुत तकलीफ़ है इस बात की। ये हमारे मेरे क्षेत्र में भी ये 3 आदमी मेरे क्षेत्र के ही मरे हैं यहाँ पर, और घायल जो हुए हैं 5-5 लाख रुपए। हम घायल की मांग करते हैं हम सब लोग कि इनको, चूँकि इनका कोई ज़रिया माल दूसरा कुछ नहीं है, बहरहाल इनके जो घर वाले जो अकेले रह गए उन्हें हम, उनकी मदद करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं।